करना है, तो तभी कई लोग हमसे कहते भारत छोड़ करके यहाँ लाखों लोग हैं, आप वहां 10-50 लोगों में क्यों जाते हैं? हमको तो वहां भी गाली मिलती, क्या जरूरी है वहां जाना, यहाँ लाखों लोग हैं उनको मिलो, उनकी अर्जी लगाओ, उनकी अटकी होगी लंदन वालों की तो भारत आएंगे, ऐसा बोलते हमको। तब हमने उनको कहा ना हमारा जाना जरूरी है। वहां जाने से दो लोग भी ठीक हो गए ना, दो लोगों की भी अर्जी लग गई, हमारा आना सफल है। और पिछली बार आए थे और कल की बात, ये माँ बैठी ना पिछली बार, ये लकड़ी लेकर चलती थी, पिछले दरबार में आई थी, इस दरबार में आई लेस्टर से, यहाँ होटल पर रह रही, होटल में वो लेकर, ये सही हो गई, हमारा आना सफल हो गया। एक बच्ची है अंग्रेज, अब उसका नाम तो भूल गए, क्या नाम है उसका, लुबिका, क्या नाम है वो, हाँ लुबिका, जो भी हो, वो रात भर बैठी रहती है जहां हम निवास है, दिन दिन भर, अभी भी कथा में कई कोने में सुन रही होगी, खबर नहीं हमें, बच्ची है अंग्रेज है, उसे हिंदी नहीं आती, उसे कथा भी पता नहीं क्या है, कल वो नीचे बैठी थी जो, उसे हिंदी पता ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है, लेकिन कल वो अंग्रेजी में बोल रही थी, हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे, वो कह रही थी कि दुनिया में अगर तनाव से बचना है गुरुजी तो कथा सुनो। वो अंग्रेज, और सोचो अभी, रुको रुको, वो धाम भी गई थी लेस्टर कथा के बाद में, ना जाने उस पर कौन सा भूत सवार हो गया, भक्ति का, राम रस का, वो बागेश्वर धाम में 5 दिन रही सेवा करती, 5 दिन उसने वहां सेवा की, रुकी रही सेवा करती रही। तो हम आपको बताएं, ये हम कोई महिमा नहीं गा रहे, चलो एक को सही अभक्त को भक्त बना दिया, हमारा आना सफल। हमारा आना सफल है। परसों फाफड़ा और फेफड़ा की चर्चा जब चल रही थी, परसों ही चल रही थी ना, फाफड़ा और फेफड़ा, जब फाफड़ा की चर्चा चल रही थी तो हमारे जो कथा के मुख्य यजमान है ना, माँ किरण माता जी, किरण माता जी, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपने लगातार लेस्टर कथा में भी यजमान है? सही है यजमान, हाँ सेवा में वहां भी थे, यहां भी कथा में यजमान, इससे ये निश्चित हो रहा, सिद्ध हो रहा कि मैया जो है खुद तो भक्ति में डूब रही है, आनंद में डूब रही, वो हजारों लोगों को भी डूबो रही है। फाफड़ा और फेफड़ा की चर्चा चली, तो आपने हमें डब्बे में वो दिए थे फाफड़ा, उसी दूसरे दिन सिद्ध करके, वो फाफड़ा पा करके हमें ना लगा जैसे हम कोई छोटा बच्चा होता ना, वो फाफड़ा, हमने पूछा कि फाफड़ा कैसा होता है, है? तो कहा कि लंबा लंबा होता है। हाँ अपने राम जी तो बहुत, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी है तो कड़ी चलती है, हमारे यहाँ चावल दाल कड़ी रोटी बस, ये वहाँ का बहु बरा, ये आप लोग नहीं जानते हो बरा बगजा, लेकिन गुजराती स्वाद अलग है, है सब भारतीय ही, पर मैया ने जैसे ही सुना तो तुरंत फाफड़ा बनाए, वो डब्बे में हमको सालिग्राम दिए, छोटा भाई जो हमारा है उसने कहा कि गुरुजी ये फाफड़ा आए हैं सेवा में, किसी ने हमें बताया यही फाफड़ा है, तो जाके तो खाए हमने, रात को भी फिर फाफड़ा खाए। एक चोरी भी बता दे, रुको अभी चोरी वो बता रहे हैं, चोरी बता देनी चाहिए, चुपके से जब लेटे तो लेटे लेटे हम फाफड़ा खाते रहे, कि आकर फाफड़ा कौन सी चीज है, दो फाफड़ा हमने सिराने रख लिए, पहले भोजन कर लिया, फाफड़ा भी खा लिया, फिर मन नहीं माना तो जेब में डाल लिया, रात को जब सो गए तो फिर फाफड़ा खाए, थोड़ा नींद खुली बीच में, फाफड़ा खाए पानी पिए फिर सोए। तो मैया ने उसमें बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित करके दिए थे, तो हमें मैया को ये भक्ति माता इन दोनों को देख करके जो है, भक्ति माता के तो घर पर रुके ही थे पिछली बार, दीपक जी आए हैं आज, हाँ पिछली बार रुके ही थे, लेकिन जो इस कथा की मुख्य यजमान है इनमें भी जो भाव है ना, एकदम माँ जैसा भाव, जब ये कथा सुनते हैं हमें लगता है जैसे
वो दुलार, जैसे ही हमारे मुंह से फाफड़ा निकला तुरंत व्यवस्था करना, सब करते हैं, दो रूप में करते हैं, कोई शिष्य बनकर के गुरुजी के लिए करता है, लेकिन इनका जो भाव लगा ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पूरा ख्याल रखती ना, वैसे ही इन्होंने व्यवस्था की। एक बार इनके लिए जरूर जोरदार ताली बजाओ। कथा में सहयोग तो ठीक है, कथा सहयोग देना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। करवा तो कोई भी लेगा, पाउंड जिसके पास में है वो बुला करके करवा लेगा, लेकिन कथा सुनना पूरा, हम देखते रहते हैं 3 घंटे तक, वरना हमारे जितने जजमान है वो आधे से ज्यादा जजमान खिसक जाते हैं। हाँ, खिसक लेते हैं, कथा हुई नहीं कि वो एकदम शुरू हुई, आरती भर हुई, वो जजमान को 17 काम रहते हैं। लेकिन हमें लंदन में एक सुख है यहां मिला कि जो कथा यजमान है पूरा टाइम, हमारी मैया पूरा टाइम बैठ करके, और हमने इनको मैया बोला है तो हम मतलब भाव हमारा इतना लग रहा कि ये बिल्कुल सच में मैया जैसी। हाँ, उस दिन से हम तो फाफड़ा वाले विषय पर, उन्होंने डब्बे में उसको वो बंद करके, एक प्लास्टिक का डब्बा था, वो जब गए वहां तो हमने पाए, हम तो देखो मिले नहीं मैया को पहले कभी, शायद पिछली कथा में भी नहीं मिले, मिल नहीं पाए, व्यस्तता रही हमारी व्यस्तता, लेकिन भाव बता देता है, स्वाद बता देता, भोजन का स्वाद बता देता है कि ये उसने कहां से बनाया है। होटल के खाने में रंग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन भाव नहीं होता। माँ की रोटी जलू जरूर होती है, काली जरूर होती है माँ की रोटी, पर उसमें भाव बहुत भरा होता है, ममता बहुत होती है।